हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स इन फ्रंट ऑफ आर्म। मतलब फ्रंट ऑफ आर्म में हमारा कौन कौन से मसल्स आते हैं, उनका नर्व अप्लाई क्या है, एक्शन क्या है, ओरिजिन इंसर्शन, आज हम लोग ये सब देखने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक चैनल को फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट ऑफ आर्म में अपना मेनली तीन मसल्स होता है। तो फर्स्ट है अपना बाइसेप्स। बाइसेप्स ही देखो, बाइसेप्स का दो हेड होता है, एक शॉर्ट हेड और एक लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। तो शॉर्ट हेड कहाँ से राइज करते हैं? कोरा कॉर्ड प्रोसेस से। लॉन्ग हेड सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्टैपला। मैंने ना पहले सारे बोन्स अच्छे से बता रखे हैं, स्कैपला, ह्यूमरस, क्लेविकल, सब के बारे में मैंने एक अच्छा सा डायग्राम बना करके सारे बोन्स को एक्सप्लेन किया था। और मैंने और भी कुछ कुछ टॉपिक अपर लिम के कवर कर चुकी हूँ मैं पहले भी, और लास्ट वीडियो मैंने ब्रैकियल प्लेक्सस बताया था, और फिर उसी को मैं आगे एनाटॉमी में कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी हम लोग अपर लिम को पूरा ख़त्म कर देंगे, देन हम लोग और भी कुछ देखेंगे। मैम हमारा नेक्स्ट वीडियो था फ्रंट ऑफ आर्म। तो ये ओरिजिन है शॉर्ट हेड का कोरकॉइड प्रोसेस से, और लॉन्ग हेड का सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। इंसर्शन कहाँ पे है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। एस्पेक्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी है। इसका नर्व सप्लाई क्या होता है? मसली क्यूटेनियस नर्व। और बताया था लास्ट वीडियो में कि मसली क्यूटेनियस नर्व अपना लैटरल कॉर्ड का ब्रांच है। तीन में था ना, लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मसली क्यूटेनियस नर्व। इसका एक्शन क्या हो जाएगा? सुपाइनेटर एट मिड फ्लेक्ट एल्बो। फिर अपना फ्लेक्शन कराता है एट शोल्डर जॉइंट। मेन एक्शन ना इसका यही है, सुपाइनेटर एट मिड फ्लेक्स्ड एल्बो। बाकी ये दोनों इसका सेकेंडरी एक्शन है, शोल्डर जॉइंट, फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट। इतनी गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, फिर भी आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, क्या मतलब है इतनी गर्मी में वीडियो बनाने का। सेकंड है अपना कोराइकोब्रैकियलिस। कोराइकोब्रैकियलिस का ओरिजिन कहाँ से होता है? नाम से पता चल रहा है कोराइकोब्रैकियलिस, तो अपना ओरिजिन होगा कोराकॉइड प्रोसेस है। इंसर्शन इसका कहाँ होता है? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ, मिडल एस्पेक्ट ऑफ, मिडल हाफ ऑफ शाफ्ट ऑफ फिंगर्स। शाफ्ट ऑफ फिंगर्स बताया था कि अगर ये अपने ह्यूमरस मानते हो तो यहाँ पे अगर इसका मिडल साइड हुआ मीडियल और ये लैटरल,
मिडल साइड में यहाँ पे इंफेक्शन होता है क्रोको ब्रैकियलिस का, और इस साइड इंफेक्शन होता है डेल्टॉइड का। थर्ड हो जाता है ब्रैकियलिस। ब्रैकियलिस का ओरिजिन कहाँ से, जैसे कि ये अपना अगर ह्यूमरस हो गया तो इसका लोअर हाफ जो है ना, लोअर हाफ यहाँ पे ब्रैकियलिस का ओरिजिन होता है। क्या देंगे, द लोअर हाफ ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। इसको बहुत सारे बुक में लिखा हो रहता है कि लोअर हाफ ऑफ एंट्रोमीडियल और एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस होते हैं। इसका इंसर्शन कहाँ होगा, अंदर जुबरा फोटी, यहाँ पे जैसे कि अपना अल्ना हो गया, यहाँ पे पूरा फाइबर ऐसे अंदर जुबरा फोटी। इसका नर्व सप्लाई क्या होता है, तो इसका मतलब डुअल नर्व सप्लाई है। मिडिल हाफ का हो जाएगा मस्कुलो क्यूटेनियस, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। लैटरल हाफ का हो जाएगा रेडियल नर्व। इसका एक्शन क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो जो भी मसल्स जो है ना जिस जॉइंट को क्रॉस करती है उस जॉइंट पर उस मसल का एक्शन होता है। तो इसका एक्शन कहाँ पे होगा, एल्बो जॉइंट पे। तो अपना हो जाएगा चीफ फ्लेक्सर एट एल्बो जॉइंट। इसका एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन जाएगा वीक फ्लेक्शन, फ्लेक्सर एट शोल्डर जॉइंट। ये सिर्फ अपना शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, ये अपना सिर्फ एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, लेकिन अपना जो बाइसेप्स है ये दो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, शोल्डर जॉइंट को भी और एल्बो जॉइंट को भी। इसका मतलब इसी वजह से ना इसका एक्शन दोनों जॉइंट पे देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।